रुपी में आई हुई कमजोरी अब ये सवाल उठा रही है कि क्या आगे जो है रुपया का क्या हाल होगा, क्या डॉलर और यहाँ पर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से एक दिन में लगभग 1% से ज्यादा यहाँ पर रुपए में एक तरीके से देखें तो वीकनेस देखने को मिली है, तो सरकार के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब आगे ऐसा ना हो कि रुपया फिर से 75 रुपए की तरफ चला जाए। तो क्या होगा ऐसा या नहीं होगा, कुछ इस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस समय अगर रुपए देखें तो लगभग यहाँ पर एक दिन में करीब 1% की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरनेशनली गोल्ड भी यहाँ पर बढ़ा और डॉलर भी यहाँ पर एक तरीके से देखें तो स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, लेकिन रुपए में वीकनेस ज्यादा इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि कहीं ना कहीं से अभी भारत को बाहर के निवेश की यानी कि FIIs के फंड की ज्यादा जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर रुपए में वीकनेस और देखने को मिलेगी। ट्रंप के ट्वीट के बाद कि यहाँ पर अभी जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा और बढ़ सकता है, ये ऐसे फैक्टर रहे जो कि रुपी को यहाँ पर और वीक करते हुए नजर आए। और पिछले लगभग अगर देखा जाए तो 1 महीने से FIIs ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर फंड उतना नहीं रिसीव हुआ जिससे ये वीकनेस अभी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अब होगा क्या, क्या रुपया वापस से, अभी जो इमीडिएट देखने को मिल रहा है वो देख के ये लग रहा है कि बहुत जल्द आपको अब 70 रुपए के से ऊपर के भाव रुपी में देखने को मिलेंगे, यानी रुपी की वीकनेस यहाँ पर अभी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। हालांकि भारत के पास जो अभी FX रिजर्व है वो $430 बिलियन जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी जिस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो भारत की करेंसी में देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले समय में रुपए में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी, बहुत जल्द आपको 70 के पार रुपया नजर आ सकता है।